हबीबी कम टू चाइना मिशन एक्सप्लोरिंग चाइना की एक नई वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद बलिकार वेलकम। मैं हूं अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने मशीन एक्सप्लोरिंग चांगशा की और चाइना की आपने 5 वीडियोज़ देखी होंगी। तो आज ये छठी वीडियो है। आज हम जा रहे हैं यहाँ पे चांगशा में मौजूद एक बीच टाइप पे एक जगह बनी हुई है वहाँ पे और एक पार्क है यहाँ पे, तो वहाँ पे जाएंगे। दो जगह हमें आज घूमनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली और आप यहाँ पे नई जगहों के बारे में जानोगे। तो अभी हम जिस जगह पर जा रहे हैं इसका नाम है सोंगिया लेक। ये बहुत ही फेमस जगह है यहाँ पे। तो मैं भी मेट्रो स्टेशन के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पे टिकट मैं लूँगा। अच्छा, तो ये लाइन नंबर 3 आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप है सोंगिया लेक साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हमें 3 टिकट लेनी है। ये 6 युआन की एक टिकट है, हम 3 बंदे हैं तो ये 18 युआन हुए हैं। सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी से सोंगिया लेक साउथ। तो अभी हमने मेट्रो से एग्जिट किया है और अभी मेन जगह पे जा रहे हैं। मेन जगह यहाँ से 1.7 किलोमीटर दूर है भाई, वॉक हम जाएंगे तकरीबन 20-22 मिनट हमें लग जाएंगे। तो यहाँ पे चूँकि मेट्रो की जो स्टॉप्स होते हैं ना वो काफ़ी दूर दूर होते हैं और जो मेन जगह होती हैं वो मतलब कि आपको थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे होती हैं वो जगह, तो आपको थोड़ा बहुत वॉक भी करना पड़ता है। काफ़ी जगह आपको मेट्रो स्टॉप के साइड में मिल जाती हैं, लेकिन काफ़ी जगह ऐसी भी होती है जो आपको वॉक करके फिर जाना पड़ता है 5-10 मिनट 20 मिनट। तो आज की सबसे बड़ी न्यूज़ वो ये है कि चाइना में कल से इंटरनेशनल अराइवल्स के लिए क्वारंटीन ख़त्म हो गया है। तो अभी आप लोगों को क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली चाइना में। आप डायरेक्ट मतलब कि ग्वांगझो में या बीजिंग में या जिस सिटी में भी आप आ रहे हो चाइना में, तो आप उधर लैंड करके आप अपने सिटी अपनी यूनिवर्सिटी जा सकते हो इजीली। कल की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो फर्स्ट फ्लाइट विदाउट क्वारंटीन वाली जो चाइना में लैंड हुई है ग्वांगझो एयरपोर्ट पे, वो चाइना साउदर्न एयरलाइन की फ़्लाइट थी जो कैनेडा से आई थी। और कुछ इंटरनेशनल जो बंदे आए हैं चाइना में बीजिंग एयरपोर्ट पे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिस बंदे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है वो बंदा जर्मनी के सिटी फ्रैंकफर्ट से आया है बीजिंग। तो उसने बोला है कि उसने 48 घंटे पहले कोविड की टेस्ट कराई थी, वो कोविड की टेस्ट उसकी नेगेटिव आई थी, लेकिन उसको उसकी टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी वहाँ पे। उसने बोला कि उनको खाली उतना बोला कि एयरपोर्ट पे कि आप हेल्थ डिक्लेरेशन जो कोड है वो खाली अपना प्रिपेयर करें, वो जो है वो ज़रूरी है। और उसने ये बार बार उसमें मेंशन किया है अपने मैसेज में कि वो कोड जो था वो ज़रूरी था। तो उसने जो बोर्डिंग पास वाले जो थे उन्होंने बोला कि आप ये कोड पहले से प्रिपेयर कर लें, वो वीचैट पे मिनी प्रोग्राम के जरिए आप बना सकते हो उसको। PCR टेस्ट के उसके 99 यूरो लगे और उसने बोला कि जो कोड के लिए उसने अप्लाई किया था मनी प्रोग्राम के ज़रिए, तो उसमें भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जिसमें वो अपनी टेस्ट की रिज़ल्ट वगैरह वहाँ पर फिल करें। मतलब कि अभी आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरह नॉर्मल हो गए हैं यहाँ पर। और उसने ये भी लिखा है कि प्लेन में जो है वो सारे लोग जो थे जो स्टाफ वगैरह था वो नॉर्मल ड्रेस में था, नॉर्मल क्लोथ पहने थे। वैसे क्या होता था वो किट वगैरह शायद पहनते थे, जो कोविड के पेशेंट जो होते हैं या मेडिकल जो हमला होता है जो फुल सूट वो पहनते हैं जो कोविड से बचने के लिए, तो उनको वो मतलब पहना नहीं था वहाँ पे। और उसने मजीद ये लिखा है कि दे स्टिल डोंट प्रोवाइड हेडसेट एंड वार्म फूड बट अ प्लास्टिक बैग ऑफ पैकेट्स फूड एंड स्नैक्स। तो ये उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है एयरपोर्ट पहुँचने के बाद, मतलब अराइवल जो हुई थी उनकी बीजिंग में। उसके बाद उन्होंने चाइना कस्टम का जो कोड होता है वो स्कैन किया था और फिंगरप्रिंट्स जो होती हैं वो नेसेसरी थी, जो पहले जो नॉर्मल हालात में जो फिंगरप्रिंट्स लेते थे ना एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद, वो मतलब कि लाजमी है फिर से। शायद कोविड में उन्होंने शायद वो नहीं ले रहे थे मेरे ख्याल से, और वहाँ पर भी किसी ने कोविड टेस्ट के बारे में नहीं पूछा। तो ये इसकी जर्नी है, मैंने आपके साथ शेयर की है। जैसे जैसे बाकी लोग आते जाएंगे एक्सपीरियंस शेयर करते जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो एक्सपीरियंस उनका शेयर करूँगा। तो अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, किसी और कंट्री से आ रहे हैं, अगर आप कल आए हैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो काइंडली आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो हम अगली एक वीडियो बनाएं जिसमें आने वाले बंदों के लिए आसानी हो जाए, उनको हम अपना एक्सपीरियंस जो है वो बताएं, उनके साथ शेयर करें। और आपको याद होगा कि मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी मास्क की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी जगहों पे मास्क की ज़रूरत नहीं है। और उस दिन भी आपने देखा कि हम मेट्रो स्टेशन पे गए थे तो उन्होंने मास्क वगैरह के लिए उन्हें कुछ भी नहीं बोला, काफ़ी हमारे दोस्तों को मास्क नहीं पहना था उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन आज फिर हम मेट्रो में अभी आए तो एक दोस्त को मास्क नहीं पहना था तो उसने बोला कि आप मास्क पहने, तो फिर आज उन्होंने बोला कि भाई मास्क पहनो आप। तो उनके रूल समझ में नहीं आते, कभी बोलते हैं कि पहनो, कभी बोलते हैं कि कोई मसला नहीं है, पता नहीं क्या सीन है इनका। लेकिन ये कन्फर्म है कि हालात जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रहे हैं और उम्मीद है कि 1-1.5 महीने तक, अगले जो है 1-1.5 महीना, उसमें हालात ये काफ़ी नॉर्मल हो जाएंगे। अभी आप ऐसा समझ सकते हो कि 70% हालात जो है ना वो नॉर्मल हो गए, अभी 30% रिस्ट्रिक्शन और भी है। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी ऐलान कर दिया है कि अगर अभी कोई बंदा कोविड-19 के रूल्स की खिलाफ वर्जी करता है तो वो कोई मसला नहीं है। पहले क्या होता था, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आप कोविड-19 के रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हो तो यहाँ पर आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अभी आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी,
कोई मसला नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो कैटेगरी वो चेंज कर दी है। पहले वो ए कैटेगरी में थी, अभी इन्होंने बी कैटेगरी में उसको कर दिया है। एक नॉर्मल डिजीज़ की तरह उसको अभी वो ये ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मौसम आज जो है वो बहुत ही अच्छा है, तकरीबन 18 से 19 सेंटीग्रेड है और गर्मी हो गई है यहाँ पे। तो मैंने अपर उतार दिया, आप देख रहे हैं ऐसे ही घूम रहे हैं। हवा लग रही है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, पर मज़ा आ रहा है। और माहौल यहाँ का जो है ना बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर गार्डन बनाया हुआ उन्होंने, झूले झूले हैं और यहाँ पर बीच भी एक है, आगे जाके मैं आपको बीच दिखाता हूँ। और यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, आप देख रहे हैं पीछे की तरफ, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ये झील लग रही है सोंगया हू, सोंगया लेक। उस दिन जो मेशी लेक पे गए थे वो झील नहीं लग रही थी, ये झील लग रही है। मतलब यहाँ पे घूमने में मज़ा आ रहा है बंदे को, और यहाँ का नज़ारा जो है ना बहुत ही अच्छा है। मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे काफ़ी सारी झीलें हैं, क्योंकि हुनान जो प्रोवेंस है ना, हुनान को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका नाम है साउथ लेक। तो हुनान का नाम ही जो है वो झील के नाम से, तो यहाँ पे चांगशा में और पूरे हुनान में काफ़ी झीलें हैं। हेलो हेलो, ये पतंग उड़ा रहा है बच्चा, हाय कहीं जा। ओ लनारी, हाँ हाँ फंक्शन, हाँ पतंग। हेलो, ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, यहाँ पे इस किस्म की साइकिलें चलती हैं। मैंने आपको मेशी लेक वाली वीडियो में दिखाई थी कि दो बंदे साइकिल को चला सकते हैं, तो यहाँ से आप इजीली इसको घूम सकते हो साइकिलों पे। और यहाँ पे पतंगबाजी भी हो रही है, काफ़ी लोग यहाँ पे पतंगबाजी कर रहे हैं, कैंपिंग भी हो रही है यहाँ पे। मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़ बंदा यहाँ पे कर सकता है। और ये बीच जो उन्होंने बनाई हुई है, ये आर्टिफिशियल बीच है, ठीक है। ये लेक को उन्होंने इस तरह बीच में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे चाइना में आपको पता होगा कि हैनान एक प्रोवेंस है, तो हैनान में इस तरह की एक सनिया बीच है, तो वो उसको ये बोलते हैं कि चाइनीज़, काफ़ी चाइनीज में हमारी बात हुई है, वो बोलते हैं कि ये शाओ सनिया है, मतलब कि छोटा एक सनिया वाली बीच है यहाँ पर। ये तो बीच वाला बिल्कुल मज़ा आ रहा है यहाँ पर। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं इसका नाम है श्यांग आइलैंड। अभी ये बंद है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो अभी इसको जो है ना पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया हुआ। अंदर लाइब्रेरी वगैरह और काफ़ी चीज़ें हैं, तो हमें भी जाने की इजाज़त नहीं है, नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे। तो ये पूरी जहाँ पे जो जगह है अभी आप देख रहे हो उस बोर्ड पर, तो ये मतलब कि चारों तरफ ये फैली हुई है, मतलब कि ये पूरा एक सर्कल है, ठीक है। तो ये तकरीबन 10 किलोमीटर बनते हैं, तो आप उसको बाय वॉक भी घूम सकते हो। और उस तरह की साइकिलें मैंने जो उस तरह आपको दिखाई, तो वो आप इस तरह साइकिलें लेके आप इस तरह घूम सकते हो, और अपनी खुद की भी साइकिलें लेके आ सकते हो आप। और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो, साइकिलिंग भी हो जाती है, एक किस्म की हाइकिंग भी हो जाती है। और यहाँ पे इस तरह के वाटर प्योरीफायर भी लगे हुए हैं, पानी मैंने काफ़ी जगहों पे गया हूँ घूमने के लिए, काफ़ी जगहों पे, लेकिन वहाँ पे गर्म पानी मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको नॉर्मल पानी, जो ठंडा पानी ना, वो भी आपको मिल रहा है। मतलब दो उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, ये यूनिक सिस्टम है। मैं काफ़ी जगहों पर मैं गया हूँ, लेकिन मैंने नहीं देखा इस तरह का सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर जो साइकिलें हैं, इन साइकिलों का रेट मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर सिंगल आप लेते हो तो ये 1 घंटे के 20 युआन चार्ज करते हैं, तो ये आधे घंटे के आपके 10 युआन चार्ज होते जाएंगे। और अगर आप चार बंद वाली लेते हो तो उसकी 40 युआन है 1 घंटे के, और आधे घंटे के आपके फिर 20 युआन वो चार्ज होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ पर आएँ और उस जगह को घूमें। अगर आप चांगशा में हैं और अगर आप चाइना के किसी भी सिटी में आ रहे हो, तो अगर आप चांगशा आएंगे तो आप इस जगह को ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो फाइनली हम इस जगह पे पहुंच गए हैं जिधर से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। ये पूरी जगह है, ये पूरा गार्डन हमने घूमा है, मतलब पूरा सर्कल हम चक्कर लगा के आए हैं 10 किलोमीटर। और तकरीबन हम जिस टाइम पे पहुंचे थे उस टाइम पे 11:30 बजे थे, अभी ये 5 हुए हैं, तो मतलब कि 5 से 6 घंटे लगे हमें ये पूरा गार्डन घूमने हुए। तो अभी हम बाहर की तरफ जाएँगे, पहले अंदर जब घूम रहे थे तो काफ़ी गर्मी हो गई थी, लेकिन अभी शाम का टाइम हो गया तो अभी सर्दी स्टार्ट हो गई है थोड़ी थोड़ी। अभी मैं अपर पहनता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और आज हमने लंच नहीं किया, तो पहले जाएंगे लंच करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं दूसरी एक जगह है उधर जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा,
अल्लाह हाफिज़।